तो मिनिमम कितना डाउन पेमेंट दे करके ये मोटरसाइकिल वो लेके जा सकते, प्राइस जो है गिफ्ट आपको यहाँ पे 100% मिल जाने वाला है। 7182 लगेगा, ऑन रोड प्राइस 157। ऑलराइट दोस्तों, इससे पहले मैंने अपाची आरटीआर 162 वी बीएसएक्स ओबीडी2 अपडेट का रिव्यू वीडियो मैंने किया, अब लेके आ रहा हूँ आप लोग का मनपसंद वीडियो, वो है ईएमआई। तो आज के इस वीडियो में आज मैं सवाल करने वाला हूँ ऊर्जा टीवीएस में राम कुमार भैया से कि भैया ये बताइए टीवीएस अपाची आरटीआर 162 वी बीएसएक्स फेज 2 2023 ओबीडी2 अपडेट स्मार्ट कनेक्ट वाली जो है, इसका अभी प्राइस क्या पड़ रहा है आपके शोरूम में? एक शोरूम प्राइस है 123,823 रुपया। अच्छा ठीक है, ऑन रोड प्राइस 157 पड़ेगा। 157 जी, ठीक है, ये तो प्राइस की बात हो गई। अब राम भैया ये बता दीजिए, ये मिनिमम डाउन पेमेंट, देखिए पब्लिक जो पूछती है ना भैया हमें कम दाम डाउन पेमेंट बताइए, एकदम से कम से कम, तो मिनिमम कितना डाउन पेमेंट दे करके ये मोटरसाइकिल वो लेके जा सकते? मिनिमम डाउन पेमेंट 20 से 25 हज़ार होगा। 20 से 25 हज़ार रुपये देकर के आप अपाची लेके जा सकते हो जी। अब पर मंथ का ईएमआई आप बता दो। पर मंथ का ईएमआई आएगा 8,982 रुपया 18 मंथ के लिए। उसके बाद आपका 24 मंथ का लेते हैं तो 7,182 रुपया लगेगा। ठीक है, 30 मंथ का लेते हैं तो 7182 लगेगा। ठीक है, 36 मंथ का लेते हैं तो 5450 लगेगा। ठीक, 48 महीना का लेते हैं तो 4595 रुपया आएगा। ठीक है, 60 मंथ का लेते हैं तो 4135 रुपया आएगा। चलिए, ये अभी राम भाई ने अभी समझा दिया, बता दिया, अभी राम भाई ने क्लियर करके शॉर्ट करके बता दिया। ये तो हुआ पर मंथ का ईएमआई की बात। अब राम भाई ये बता दो, ये मोटरसाइकिल आपकी अपाची आरटीआर 162 वी ओबीडी 2 अपडेट जो है, ये अगर इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट, इस पर अगर लोन पर कोई बाइक लेते हैं तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या? नॉर्मली 10.5% का आता है। 10.5% जी जी। अगर मान ली वो गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं तो उनके लिए क्या? उसके लिए 7.99 है, या सिविल स्कोर 750 है तो उसके लिए 7.99 स्कीम है। ठीक है, ठीक है। और जो प्राइवेट जॉब कर रहे हैं उनके लिए? प्राइवेट जॉब कर रहे हैं उसके लिए भी आपका सिविल स्कोर पे डिपेंड करता है। मान ली उनका सिविल स्कोर 0, पहली बार लोन ले रहे हैं, पहली बार लोन ले रहे हैं तो वही 9.5-10% 9.5-10%। चलिए ठीक है, तो आप देखिए अपाची का जो फैन है मोस्ट ऑफ द यंगस्टर ही है भैया जी जी, तो अगर वो जॉब नहीं कर रहे हैं, कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं या फिर 12th क्लास में स्कूल जाते हैं, तो उनके लिए क्या ऑफर है, उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट उनके लिए क्या आएगा, पर मंथ का ईएमआई उनके लिए क्या आएगा? उनके लिए आपका 10.5% नॉर्मली इंटरेस्ट लगेगी। ठीक, जिन कस्टमर को 7.5 स्कोर है सिविल स्कोर जी, उनके लिए 7.99 स्कीम लगेगा। ठीक है, और उनका मिनिमम डाउन पेमेंट क्या होगा बाइक के लिए? मिनिमम डाउन पेमेंट 25-30 हज़ार रुपया होगी। 25-30 हज़ार रुपया। देखिए ये हमने राम भाई से क्लियर करके पूछ लिया कि भैया जो स्टूडेंट हैं, जॉब नहीं कर रहे हैं, कॉलेज स्कूल कहीं भी आप पढ़ाई कर रहे हो, उनको बाइक चाहिए आने जाने के लिए, तो उनके लिए मिनिमम डाउन पेमेंट क्या होने वाला है। और एक चीज़ याद रखना, मिनिमम डाउन पेमेंट अगर आप दे रहे हो तो रेट ऑफ इंटरेस्ट उसी हिसाब से लगने वाला जी, है जी, जी। वो आपके सिविल पर डिपेंड करता है, वो आपके जॉब प्रोफाइल पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, ये मैं क्लियर बता रहा हूँ, शोरूम में पूछ के बता रहा हूँ, अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्लियर हो गया, मिनिमम डाउन पेमेंट क्लियर हो गया, चाहे वो जॉब वाले हों, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे वो या जॉब नहीं कर रहे हो, स्टूडेंट हो, ये तीनों कैटेगरी के लिए मैंने क्लियर करके पूछ लिया। ठीक है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट, मिनिमम डाउन पेमेंट ये क्लियर हो गया, पर मंथ का ईएमआई क्लियर हो गया। अब डॉक्यूमेंट क्या रिक्वायर्ड है ये बता दो। पैन कार्ड, आधार कार्ड और बैंक पासबुक लगती है। ठीक है, यदि उनके पास एटीएम कार्ड है तो वो भी। ठीक है, तो ये सब डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है। अब मान लीजिए वो आउट ऑफ बिहार के यहाँ आकर के वो रह रहे हैं एज अ स्टूडेंट, या काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, लोकल एड्रेस में गैस कनेक्शन हो या एग्रीमेंट हो, रेंट एग्रीमेंट, वो चलेगा। ठीक है, तो ये डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होता है जो यहाँ के निवासी नहीं है, स्थानीय निवासी नहीं है, आउट ऑफ स्टेट से या आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट से, तो उनके लिए ये डॉक्यूमेंट आप ला करके बाइक लेके जा सकते हो। तो ये क्लियर कर दिया हम लोगों ने। आप ये बताइए, अगर कोई पर मंथ का ईएमआई देने से एक महीना या दो महीना चूक जाते हैं तो उनका पेनल्टी शूट क्या रहेगा? 450 रुपया फाइन लगती है। 450 रुपया फाइन लगेगा। ठीक है, 450 रुपया फाइन लगेगा अगर आप ईएमआई देने में चूक जाते हो तो। लास्ट सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा, अगर हमारे पुलिस ऑफिसर्स आते हैं आपके शोरूम में, या आर्मी के जवान आते हैं, या फिर डॉक्टर्स आते हैं, उनके लिए आप क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करते हो? हर एक मंथ स्कीम चेंज होती है तो उसके लिए
डीलर विजिट करना पड़ेगा, ठीक है, भी कस्टमर है जी उनको आना पड़ेगा डीलरशिप पे ऑन द टेबल यहाँ आने के बाद, ठीक है। तो अगर कोई ऑफिसर्स हमारे वीडियो देख रहे हैं तो आप शोरूम पर मोस्ट वेलकम है आपका, आप विजिट करें, यहाँ आकर के आप ऑन टेबल डिस्कस कर सकते हैं, जो भी फर्दर डिटेल होगा आपको शोरूम में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और एक बात बताइए, गिफ्ट वगैरह क्या, अगर मेरे सब्सक्राइबर भाई लोग आए तो उनके लिए गिफ्ट आप क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? देखिए सर, उसके लिए हम लोग एक गिफ्ट रखे हुए हैं जी, ठीक है, तो वो शोरूम पे आएंगे देन उनको दिया जाएगा, मतलब ये सरप्राइज के थ्रू आएंगे, तो ये सरप्राइज जी जी। चलो गाइस, ये सरप्राइज है, ये ऑन कैमरा अभी अनवील नहीं करेंगे राम भाई, आप शोरूम पर विजिट करो, चाहे वो आप टीवीएस की अपाची लो या फिर स्कूटर लो या फिर आप टीवीएस ये जो स्पोर्ट्स है, कोई भी मोटरसाइकिल या कोई भी स्कूटर आप पिकअप करते हो यहाँ से, कि प्राइस जो है गिफ्ट आपको यहाँ पर 100% मिल जाने वाला है। तो इसी नोट पर करते हैं इस लोन प्रोसेस वीडियो को ख़त्म, मैंने पूरी जानकारी दी, ज़्यादा जानकारी के लिए मैं डिस्क्रिप्शन में ऊर्जा टीवीएस का फ़ोन नंबर नीचे दे दूंगा एड्रेस के साथ, आप यहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मिलते हैं आप लोग नेक्स्ट वीडियो में, लिव फ्री राइड हार्ट एंड हैव अ सेफ राइड, पीस आउट।